One second, almost done. We are live now. You can start. नमस्ते सभी को, स्टार्ट कर सकते हो आप. नमस्कार. सिख मैं के द्वारा ऑनलाइन आयोजित अनुभव 2 में आप सभी का स्वागत है. कथक कार्यशाला में हमारे साथ हैं गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी. गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत. कथक कार्यशाला का नमस्ते. कथक कार्यशाला का आज तीसरा दिन है और पिछले 2 दिवसों में बहुत ही सरलता के साथ गुरु जी ने विद्यार्थियों को कथक के बहुत सारे बेसिक चीजें सिखा दी हैं. इतने कम समय में ये गुरु जी की कला है कि बच्चों को जिनको कथक की ABC नहीं मालूम थी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है. और ये तीसरे दिन हम अब आगे जा रहे हैं और निश्चित रूप से बच्चे कथक की बहुत सारी बारीकियां आज भी सीखेंगे. हम अपने मॉडरेटर्स, युवा वॉलंटियर्स वंशिका और श्रुति से आग्रह करेंगे कि गुरु जी को सम्मान देते हुए इस कार्यशाला का प्रारंभ करें. वंशिका और श्रुति धन्यवाद. नमस्कार, मैं श्रुति सिंह राणा हाउस की छात्रा व एक स्पिकने के वॉलंटियर स्वागत करती हूँ आप सभी का स्पिकने के द्वारा आयोजित अनुभव की कथन कार्यशाला के तीसरे दिन में. यह कार्यशाला गुरु जी राजेंद्र गंगानी जी के मार्गदर्शन में हो रही है. हमारे साथ हमारी स्पिकने के सीनियर वॉलंटियर नीचा शुक्ला जी हैं. अब मैं आप सभी के सामने कार्यशाला के दौरान पालन किए जाने वाली इंस्ट्रक्शंस को दोहराना चाहूंगी. प्लीज अपना कैमरा हर वक्त ऑन रखें. माइक पूरी कार्यशाला के दौरान म्यूट ही रखें. प्रश्न पूछना हो तो अपना कैमरा ऑन करें और हैंड रेस करें, आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा. और अभी आप सभी अपने अनुभव की रजिस्टर्ड आईडी चैट बॉक्स में लिख दें और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें. धन्यवाद. गुरुजी नमस्ते. अब मैं चाहूंगी कि गुरुजी आप इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएं. ठीक है. बहुत सबको मेरी तरफ से बहुत शुभ दिन, नमस्कार और शुभ आशीष. आज 2 दिन से हम लोग मंगलवार बुधवार भी, आज गुरुवार है, गुरु का वार है. तो कार्यशाला में जो अपन लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि आप भी और इसके नजदीक आते जा रहे हैं. प्यारे बच्चों, सब बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सबको टीवी कहना चाहूंगा. साथ साथ ये भी है, जैसा मुझे पता लगा कि 26 तारीख को जब 5वां दिन होगा तो इन दिनों में जितना आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या जो भी समझ रहे हैं उसका एक 10 मिनट का मुझे पता लगा प्रदर्शन भी करेंगे. और कल मुझे बात हुई वंशिका से तो उसने कहा कि ये जो सिखा रहे हैं इसका प्रैक्टिस करने के लिए और इसकी पूरी जानकारी के लिए, निर्जा जी ने भी कहा था कि संगीत और बोल और वो, तो हम लोगों ने इंतजाम किया है आप लोगों के लिए बच्चों. तो हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि वो जो म्यूजिक और वो लय, वो सारी चीजें आपको हम दें ताकि आप अभ्यास कर सकें, उसके साथ साधना कर सकें. उसको जब सुने भी तो आपका मन करे तो कभी उसको सुनते भी रहें, ताकि कभी ऐसा होता है कि नृत्य का अभ्यास करने के लिए या आजकल के जैसे घरों में रहते हैं या आजकल कई फ्लैट सिस्टम हो गए, फ्लैट्स में रहते हैं, कहीं इधर उधर रहते हैं तो उनको दिक्कत होती है. तो कम से कम सुनेंगे तो जहाँ बैठे हैं वहीं कुछ अपने आप को दोहरा लेंगे. इस बहाने से आप उस संपर्क में आ जाएंगे, उस नेटवर्क में आ जाएंगे, और जो नेटवर्क स्पीक मैके से अभी 5 दिन आप अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव जो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो 5 दिन आपको अपने साथ कलात्मक चीजों के साथ साथ हमारा भविष्य और हमारा जो कला चली आ रही परंपरा है, वो हर परंपरा, हर कला और हर गुरु का ज्ञान जो है आपको इसमें देखने को, सुनने को और समझने को मिल रहा है, जो बहुत
बड़ी एक चीज है। आज हम एक काम ये करेंगे, भूमि प्रणाम करके हम एक गुण और दो गुण जा रहे थे, ठीक है। अब हम, क्योंकि वैसे तो स्टेप त्रिगुण और चौगुण होता है, लेकिन शायद त्रिगुण थोड़ा सा भी मुश्किल पड़ेगा, वो थोड़ी उसे नॉर्मल भाषा में आड़ले भी कहते हैं, जैसे थोड़ा हम लोग एक साधारण भाषा में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो आड़ी लय जो होती है थोड़ी, वो लय एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जो थोड़ी आड़ी लय होती है थोड़ी सी बहुत थोड़ी कठिन होती है, तो हम इसका सीधा चौगुण करेंगे तत्काल में भूमि प्रणाम करके, ताकि वो पैर की तैयारी जो है अब दो दिन में बढ़नी चाहिए, आगे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम थोड़ा उसका अभ्यास करें। और सब लोगों को मैं ये कहूंगा कि सब लोग तैयार हो जाएं। अगर कई बच्चे, कल जैसा मैं नोट कर रहा था, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे सब लोग कल अपना ज्ञान जो मिल रहा है उसका प्रदर्शन, मतलब उन्होंने अभ्यास कैसा किया सबने दिखाया, बहुत अच्छा लगा कि सबने अपनी तरफ से बताया दिखाया कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो हमने भी कुछ उनको करेक्शन समझाया कि ऐसे इस तरीके से करो, तो इस तरीके से करो। तो आप सब लोगों के पास, अगर किसी के पास घुंघरू अवेलेबल हो तो अच्छा लगेगा कि घुंघरू भी बांध लें, जिनके पास है। एक दो बच्चे थे जिन्होंने कल बांधे थे, तो अगर आप और के पास भी घुंघरू हैं तो घुंघरू बांधे। और जैसा कि एक हर कला की वेशभूषा भी बनती है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो उन कपड़ों को या उस कॉस्ट्यूम को पहनते, जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही कुछ करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आज, क्योंकि पहचान भी कैसे बनती है, फर्स्ट अपीयरेंस कैसे होता है, इससे भी बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अगर थोड़ा सा कुर्ता पजामा चूड़ीदार पजामा कुछ ऐसा पहने, साथ में अगर दुपट्टा ले ले, तो एक घुंघरू भी अगर हो तो, क्योंकि मुझे पता नहीं कहीं अवेलेबल हो सकते हैं कहीं नहीं होते हो, और अगर उनको आप पहने तो आपको और उसके साथ आत्मीयता लगेगी, यू आर विल बी मोर क्लोजर, क्योंकि बहुत असर पड़ता है इन सब चीजों का। अगर आप आज नहीं, और अगर आज है तो पहन लीजिए, घुंघरू पहन लें, और अगर नहीं तो कल अच्छा होगा कि जो जो चीजें मैंने समझाई, कुर्ता पजामा दुपट्टा कैसे पहनते हैं उसको अगर लें और साथ में घुंघरू भी है उनको पहने, तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि अब जैसा कि आज मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आज हमारे पास, हमने हारमोनियम और तबले का भी इंतजाम किया है, तो मैं पवन जी से कहूंगा, पवन जी आप इधर आए। और मैंने बताया था कि क्योंकि एक जब लय चल रही है तो उस लय को कौन रोटेट में कंटिन्यू करता है, वो सारंगी होती है, पुराना साज सारंगी है, या हारमोनियम होता है, जिसे हम आम भाषा में बाजा भी कभी कहते हैं कि बाजा किधर है, बाजा कहाँ रखा है, बाजा बजाओ थोड़ा सा। अब बाजे में कितना अंतर है कि एक बाजा बैंड बाजा भी होता है, और इसको हारमोनियम को भी बैंड बाजा के जैसे नहीं गिन सकते, लेकिन क्योंकि ये हारमोनियम है, और सारंगी ज्यादातर तो सारंगी होती है, अंदर आ गया दरवाजे पर, सारंगी होती है, लेकिन हर जगह सारंगी अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को इन दोनों जो है चाहूंगा, ये अपना इंट्रोडक्शन दे, और थोड़ा हारमोनियम और तबले के बारे में ये बता, पवन जी बताओ आप तबले पे, आप हैं हारमोनियम पे, ये आपको दिख रहा है, अपना नाम बता दो। मेरा नाम मदन, ये मदन जी हैं, और ये हारमोनियम पे आपको कैसे इसमें लहरा बजता है, व्हाट इज द नोट ऑफ सर्वम, तो वो सब आपको ये बताएंगे। स्वागत है आप लोगों का जी, धन्यवाद। मदन जी हारमोनियम पे है, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पवन जी अभी तबला भी बजा रहे हैं, और नृत्य नृत्य तबला, मतलब तबला हारमोनियम और नृत्य तीनों ही करते हैं, यहाँ शिमला में ही है, कॉलेज में है, दोनों बहुत अच्छे कलाकार हैं यहाँ के,
तो आज ये भी अपना साथ दे रहे हैं। तो पहले मैं चाहूंगा पवन जी आप ठेका बोले और जो हमने इनको दादे निंदा सिखाया था तबले में दादे निंदा बजाए जी। तो बच्चों जो ठेका इसमें बजता है जो हमने तीन ताल का ठेका गुरु जी ने बताया था 16 मात्रा में, तो धा धिन धिन धा, तो उसपे 16 मात्रा की एक धुन बजेगी, इसको लहरा और नगमा कहते हैं, सारंगी जैसे गुरु जी ने बताया कि सारंगी और हारमोनियम और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट में ये बजाई जाती है। तो मदन जी इसमें बजा रहे हैं कौन सा राग आपका है? चालुकेशी में ये लहरा बजा के आपको, क्योंकि देखो मैंने कहा ना कल बता रहा था हर चीज का यही शास्त्रीयता की और शास्त्र की खासियत है कि हर चीज का कोई ना कोई नाम है। अगर इसमें कोई ऐसे स्वर बजेंगे सारे गा मा पा धा नी सा और एक ही स्वर में गा दिया सारे गा मा पा धा नी सा सारे गा मा, तो ये बदला। और ये जब ये इसे ट्यून भी कह सकते हैं क्योंकि आजकल ज्यादातर भाषा में भी बड़ा परिवर्तन आ गया है, लेकिन अच्छी बात है कि संगीत की भाषा नृत्य की भाषा सुनेंगे तो पारंपरिक जो भाषा थी वो कम से कम थोड़ी और आप जानकारी ले लेंगे। तो ये जो चारुकेशी है ये इसका लहरा इसकी धुन और इस हारमोनियम पे ये कैसे बजता है और ये 16 मात्रा मैं आपको बताऊं समझाऊंगा कि कैसे विभाजन हो जाता है स्वर के साथ, यानी ट्यून कैसे डिवाइड करती है अपने आप को विद द 16 बीट्स। तबले पे तो ये बाद में बजाएंगे, आप पहले ही बजाएंगे। अब एक सेकंड, जैसे इन्होंने अभी जो बजाया वो एक बार और बजाए, मैं एक बार और आप लोग बच्चों सब सुनना एंड नोट करना कि ये कौन से ट्यून, इस ट्यून इज गोइंग ऊपर के स्वर की तरफ जा रहा है या नीचे के स्वर, नीचे की तरफ जा रहा है, सारे गा मा पा धा नी सा तो ऊपर चलेगा सा नी दा पा मा ए सा नीचे आ गया। तो ये इन्होंने जैसा शुरू किया है इन्होंने क्या किया कि 13 से स्टार्ट किया 13 14 15 16 ऐसे चढ़े। अब आप ये देखेंगे कि एक से शुरू कर, अब सीधा एक से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 खाली आ गई 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3। तो ये इसमें जो बज रहा था उसमें हम काउंटिंग करें तो वो एक फ्लो को चेंज करते 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 चलती है। तो ये जो फ्लो बन रहा है ये स्वर किस की पहचान बनी कि ये इसका नाम बना एक राग, राग क्या बनी चारुकेशी, ठीक है। तो क्योंकि म्यूजिक में म्यूजिकोलॉजी जो होती है वो अलग अलग नोट्स पे जाती है, जब वो नोट्स अलग अलग बज रहे होते हैं तो उसकी पहचान रागों में हुई। वो संगीत का विषय है, बहुत बड़ा एक अलग विषय है। तो हम तो एक नृत्य से इसका, क्योंकि बिना संगीत के तो नृत्य हो नहीं सकता, संगीत तो चाहिए उसके साथ, संगीत चाहिए तो लय चाहिए, लय चाहिए तो रिदम भी चाहिए। अब रिदम का काम आता है इसमें धा कैसे बजता है, धीन, तो ये खुला धा हो गया, धीन थोड़ा बंद हो गया। अब आप सुनेंगे तो इसमें जो हमने आपको ताली लगा के बताया था डे फर्स्ट, वो बोलों को पहचानेंगे आप, ठीक है। बजाइए धा धीन धीन
वर्कशॉप में अटेंड कर रहे हैं, सब मेरे साथ ज्वाइन करें और आप लोग अपनी जगह पे फॉलो करें हाउ टू कनेक्ट विद द लाइव इंस्ट्रूमेंट। देखिए कई बार क्या होता है, जो म्यूजिक रिकॉर्डेड म्यूजिक बज रहे होते हैं वो हमें एक पहचानना होता है कि ये क्या बज रहा है, कैसे बज रहा है, तो उसको पकड़ना कैसे होगा। तो ये हम इनके साथ बैठ रहे हैं और आप लोग सब लोग रेडी हो जाएं और हम एक सर्कल इनको अपने आप करने देंगे। और जो मैंने बताया था कि सम बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बिगिनिंग करते हैं और जहाँ पे आके पूरी जो कंपोजिशन है, जो भी एक आप नाच रहे हैं या आपने किया, वो आके वहाँ रुकता है। लेकिन ये नहीं रुकेंगे, ये कंटिन्यू हो, ये जो दोनों है ये कंटिन्यू हो जाएंगे। हम अपना एक सर्कल, दो सर्कल, 50 सर्कल में जितना भी वो कंपोजिशन होती है वो कंप्लीट करते हैं। समारा 1 2 3 4 A करके आके सम पे रुक जाते हैं, ठीक है। वो टाइम जो चल रहा है वो टाइम अपने आप में चल रहा है, वॉच फिक्स हो जाती है, वो घड़ी जो है वो अपना रुकती नहीं है। जब रुक जाते तो हम कहते हैं घड़ी खराब हो गई, या हम कहते हैं कि रुक दो इसको। तो अब ये जो बजा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये अपनी जगह रहेंगे, हम इसको दुगुन करेंगे। तो जब एक चीज को दुगुन करते हैं दैट मींस टू टाइम्स हो गया। तो ये जो 16 मात्रा है हम टू टाइम्स करेंगे, ये एक ही बार होगा। ये क्लासिकल में एक दूसरा पैटर्न यूज कर अब आ रहा है आपके सामने। मैंने कहा ना एक गुण, दो गुण, तीन गुण, चौगुण, तो गुण इज 2 × 2 जैसे होता है, 4 × 4 ऐसे उसकी उससे ऊपर होता जाएगा। लेकिन यहां जो बज रहा है वो अपनी गति में रहेंगे, स्पीड दे विल रिमेन सेम स्पीड, वी विल चेंज आवर स्पीड एंड बट वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू देम। इनका जो पैटर्न है उसके अनुसार ही हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी शुरू करते हैं, हमें इनका भी ध्यान रखना होगा। दिस इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस एंड मूवमेंट, ये कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो मैं अभी एक बार आपको खुद करके बताता हूँ, काउंटिंग से बताता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। आई होप आप लोगों को इनकी भी आवाज आ रही है। नेजा जी
अंशिका श्रुति जी जी सर जी जी गुरुजी क्योंकि हम लोग इन्हें बिल्कुल लाइव गुरु कुल परंपरा का अनुभव दे रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग और कोई टेक्निक नहीं दे रहे, सीधा परंपरा में क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है उसकी। जैसे कोई चीज ऐसी होती है, एक बिल्डिंग में बनती है तो जब उसमें एक तार लगती है जिसे अर्थ की पावर अर्थिंग कहते हैं, वो दिखती नहीं बट वो ही संभालती है। तो वैसे ही वो परंपरा जो है जब दिखती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे कितना एक वर्क होता है वो इनको महसूस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं काउंटिंग करके मैं 16 को दो बार बोलूंगा, ये एक ही बार 16 होगा, मैं डबल करूंगा तो मेरा दो बार 16 होगा, लेकिन हम सम पे एक साथ आएंगे और एक साथ रुक जाएंगे, ये आप थोड़ा सुनिएगा। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक दो बार बोलोगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक। तो आप लोगों ने अगर नोट किया तो ये तो अपनी ही स्पीड में थे, इनकी स्पीड को ध्यान रखते हुए मैंने दो सेकंड स्पीड ली जिसे हम लोग दुगुन कहते हैं, के दुगुना आम भाषा में भी दुगुन कहते हैं। तो आठ मात्रा तो पहले में थी और आठ मात्रा खाली के बाद में थी, तो 16 मात्रा का ऐसे कॉम्बिनेशन था। तो मैंने जब डबल बोला तो पहले आठ में 16 हो गई और दूसरे आठ में 16 हो गई, तो 16 16 इज 32। तो हमने 32 मात्रा बोली थी, इन्होंने 16 ही रखी। दे कीप इट रिमेन विद द 16 सेम टाइम सर्कल। ये होता है कोऑर्डिनेशन जब डांस सर मंच पे डांस कर रहे होते हैं और साइड में उनके साथ संगत होती है, जब वही भी कलाकार इस चीज का उनके पास भी पूरा ज्ञान होता है, उनकी शिक्षा होती है, तो वो अपना कार्य कर रहे होते हैं, नर्तक अपना कार्य कर रहे होते हैं। बस ये फर्क पड़ता है जब डांस में जो बोल वो नर्तक डांस कर रहे हैं वो तबला उनके साथ वो बोल बजाएंगे, और ये नहीं बजा सकते हारमोनियम या लहरा, वो बोल नहीं बजाएंगे, ये हमें टाइम देंगे कि ये टाइम चल रहा है और आपके पास चैलेंज होता है तो उस टाइम को पूरा करके आना है आपको, ये होता है। तो हम अब प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके भूमि प्रणाम करके और तत्काल को, ठीक है। अब धीरेन्द्र जी भी आ जा रहे हैं, धीरेन्द्र जी को भी बुला सकते हैं, धीरेन्द्र आइए जी। सब बच्चे आपका प्रणाम कर रहे हैं, आ जाइए। ठीक है, ये बस दीजिए, तो हम आज चौगुन कर रहे हैं तत्काल। ठीक है, तो ऐसा कर दीजिए कि इनका पैर का जो जगह बन रहा है इसके फुटवर्क की तरफ। पहले तो ये प्रणाम करेंगे, ठीक है, शाबाश, चलो भूमि प्रणाम से शुरू करते हैं। हम भूमि प्रणाम भी लहरे पे कर रहे हैं, है ना, तबले के साथ लहरे के साथ इसको मिला लेते हैं, तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा पूरा म्यूजिक के साथ। Thank you.
16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 अब इसमें एक चीज ध्यान रखें कि जो स्पीड जब आपकी बढ़ती है तो आपको ज्यादा पैरों पे प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। बॉडी से अपने आप को ऐसा न रखें कि तेज हो रहा है तो पता लगा पूरी बॉडी प्रेशराइज हो गई है। आपको अगर बच्चों अनुभव हो तो बस पैरों को ये ध्यान रखना कि उसका रूटीन सेम रहना चाहिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड ऑपोजिट हूं तो एक हम मेरा आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, लेफ्ट मत करिएगा, राइट पे ही रहना है ना। तो अभी फिलहाल मैं लेफ्ट से अपने लेफ्ट शुरू करूंगा, आपका राइट ही होगा ये, ठीक है नीचे। तो इसको क्या करना, आप लोग पैर को ये जो है ना ये इतनी हाइट पे रखना, वन आफ्टर वन इस हाइट पे रखिएगा। तो उससे क्या होगा, और ये ध्यान रखना कि उसको ठीक टाइम पे वो पैर जो है वो जमीन को टच कर दे। जैसे फ्लाइट जो है वो जब एरोप्लेन लैंड करता है तो उसकी एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग को अगर उसने छोड़ दिया तो उसको गड़बड़ हो सकता है। तो हमें भी ये जो म्यूजिक बजा रही है ये हमारे हमें टाइम, इसके इसका मतलब ये कि वो हमें टाइम दे रहा है। हारमोनियम पे जो लहरा बजा, जब लहरा बजा वो हमें टाइम दे रहा है, उस टाइम को हमें ध्यान रखना है। और जो एक बार और पैर दिखा दूं, ये ध्यान रखना कि ये इतनी हाइट पे रहना चाहिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो ये देख रहे हैं ना, और चार
दोबारा हो जाता है ना, एक दो तीन चार एक, तो इसलिए इसको हम दोबारा मानना है, वो प्रिपेयर रहना चाहिए कि अभी तो ये चौथी स्पीड है, आठ स्पीड तक जाना है। आप लोगों के पास ये बहुत बड़ा एक इसमें ना एक तरीके से सोचा जाए तो मैं बचपन से जैसे करता आ रहा हूं तो बड़ा कभी कभी मजा भी आता है कि हमारी शास्त्रीय नृत्य शैली में आपको कला और ज्ञान तो मिल रहा है, साथ साथ आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आप इसमें अपने आप को देखें, तो वो जो जैसे स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं उसका एक चैलेंज होता है, फिजिकल वर्क भी हो रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं, तत्कार कर रहे हैं, जैसे कई लोगों को ऐसा कहना जाता है जिम जाना पड़ता है, या कई लोगों को पार्क में दौड़ना पड़ता है, पार्क में जाके दौड़ते हैं या जिम जाते हैं, तो वो एथलीट को भी एक्सरसाइज आठ वाली स्पीड होगी तो कितनी स्पीड हो गई। एक कार में भी चार गियर होते हैं, पांच होने लगे आजकल, ज्यादा ज्यादा बहुत एडवांस टेक्निक आ गई, चार और पांच गियर होते हैं, एक बैक गियर होता है, तो स्पीड बढ़ाने के चार या पांच ही गियर है, अपने पास आठ गियर। तो सोचो क्या अच्छा मजा आता होगा, क्योंकि आप लोग के अंदर तो बच्चे हो, बच्चों में तो इतनी एनर्जी होती है, मतलब युवा का मतलब ये कि उनको खूब भरपूर एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपके लिए चैलेंजिंग होनी चाहिए कि हाँ हम करेंगे, बट ऐसा नहीं कि वो चार सात आठ पंद्रह ग्यारह साढ़े ग्यारह साढ़े तीन हो जाए, इट शुड बी एक दो तीन चार बोलना भी आना चाहिए, और अगर तत्काल आदित्य आदित्य वोकैबुलरी भी तैयार होनी चाहिए, क्या बोल भी सकते हैं, आप पैर से वो कर भी सकते हैं, तो बोल सकते हैं कर सकते हैं, तो कथक है ये भी एक कथा। सो हम चौगुन तक जो जा रहे हैं उसमें आपको अपनी एनर्जी का अच्छा फ्लो इस्तेमाल करना, बस एक ध्यान रखना कि बॉडी को टाइट मत करना और अकड़ के मत करना, पैर को बिल्कुल जैसे अगर कभी गलती से बचपन में या अभी भी कभी साइकिल चलाते हैं तो जैसे साइकिल चलाने के लिए आप लोगों को पेडलिंग करते हैं, तो वही आप समझिए कि एक के बाद एक पैर आएगा, वो ऊपर से नीचे, वो तो साइकिलिंग में तो पेडलिंग करते हैं तो घूमता है पहिया छोटा वाला, उसकी वजह से दो बड़े पहिए घूमते, लेकिन जब तत्कार कर रहे हैं तो हम सीधा उठा रहे हैं और सीधा उस रिदम के साथ उससे मिला भी रहे, ठीक है। तो हम अभी और देखते हैं आप में कितना दम है धीरेन्द्र, हम जितनी देर तक आज हम थोड़ी देर ज्यादा बढ़ा के सिर्फ कोशिश करेंगे दुगुन चौगुन कुछ देर के लिए इसे करते जाए, ताकि ये शुरुआत हो जाए कि हम ज्यादा देर तक डांस करने की हमारे अंदर क्षमता आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। Thank you.
वापस अब दो मन पे आएंगे हम लोग वापस दो मन पे चीज। और मैंने कहा कि मुझे बड़ा जब छोटे थे और जब ऐसे तत्कार करते थे तो मजा आता था, और फिर कई बार ऐसा होता था कि भाई आप क्या सीखते हैं, आप क्या पढ़ाई के साथ साथ आप क्या करते हैं। तो समटाइम क्या होता है कि जैसे आप लोग जो बच्चे आए, तो सारे बच्चे ऐसा नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे डांस में आ गए या पूरे हिंदुस्तान के बच्चे गाने में चले गए। सबने अपनी अपनी चॉइस ली और एक कला की तरफ बढ़ने का उनका मन हुआ। उनमें से कुछ हमारे पास हैं, कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ चित्रकला के अलावा गायन भी, कुछ वादन भी, तो अभिनय भी। तो जैसा सारी वर्कशॉप्स अभी चल रही है, तो ऐसे कभी स्कूल कॉलेज के जब टाइम की बातें होती थी तो हम कहते थे, हम देखो कितनी हम जो चीज सीख रहे हैं वो नॉन म्यूजिकल जो होते थे या जो इसमें नहीं होते थे उनके लिए हम चैलेंज खड़ा कर देते थे। अभी चैलेंज इसलिए खड़ा कर देते थे कि एक दो तीन चार हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ चार ही है, एक दो तीन चार जाना है और आना है। सीधे पैर से जाओ, उल्टे पैर पे गए, उल्टे पैर से सीधे पैर की तरफ आ गए। जस्ट एक एक्सरसाइज सिर्फ फुटवर्क की कर रहे हैं जो अपने आप में एक रिदम क्रिएट करती है, और रिदम के साथ साथ वो एनवायरनमेंट को चैलेंजिंग बना देती है। तो ये बहुत बड़ी एक वो चीज है। अब
आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने मुझे बताया कि एनर्जी भी बहुत होती है, मैं ऐसे आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। देखें कि धीरेन्द्र इसी चीज को आपके सामने करेंगे, और अगर आप इसके साथ ज्वाइन करें तो हम चार का अब आठ करें, और देखिए क्या इतनी तेज पैर जितनी तेज इसमें जाएंगे, जिस स्पीड को टच करेंगे उस स्पीड को टच फिंगर्स भी नहीं कर सकते, जबकि फिंगर्स 10 है, हाथ में तो 10 उंगलियां है, वो जो कंप्यूटर पे चलता है तो भी शायद मुश्किल है इतनी तेज टच करना, और इतनी तेज कंप्यूटर की भी स्पीड के कई कंपटीशन होते हैं कि कौन सबसे फास्टेस्ट फिंगरिंग किसकी है, यहाँ फास्टेस्ट फुटवर्क ये आप देख के, और अगर आप में एनर्जी है तो धीरेन्द्र सर के साथ ज्वाइन करिए और वो स्पीड देखिए, और देखिए कि कितना आनंद की भी प्राप्ति होगी, और एक आप उस लैग को जो लैग के डिवीजन है उनको भी आप समझेंगे, यहाँ 16 मात्रा ही बज रही है। आइए धीरेन्द्र सर, किसी का क्वेश्चन है? अच्छा नहीं, नथिंग नथिंग, it's just a click. चलिए एक से लेकर आठ तक जाऊंगा मैं, सबसे आनंद भी आता है कि आप सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं, एंड यू आर रूल इन रूल में भी है, जो रूल बनाए गए हैं शास्त्रीयता के उस शास्त्र में भी है, जो कला का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है शास्त्र और शास्त्रीय, इसका मतलब ये है कि उस बहुत उसको अपने उस दायरे में रहना और उन सब चीजों को फॉलो करना जो उस कला का धर्म है, उस कला का नियम है, नियम इज अ वेरी इम्पोर्टेंट, योग में भी नियम, कला में भी नियम, और ये अगर आपके पास हैं तो आपके जीवन में नियम है।
लाइफ में नियम होना बहुत आवश्यक है, समय को पहचानना उससे भी अति आवश्यक है, जो ये लय सिखाती है। आप कितना भी तेज दौड़ते हैं वापिस सम पे आ जाते हैं, सम पे आके आप फिर दूसरी चीज की तरफ दूसरी क्रिया में पड़ जाते हैं। सो गति भी आपके पास है, शक्ति भी आपके पास है। अब गति को और शक्ति को मिलाएं तो कितनी अच्छी भक्ति होगी, कितना अच्छा ज्ञान होगा, आप ज्ञान को अर्जित करेंगे। तो हम इसके साथ साथ, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, तो आज में जो दुगुण में हमने जो एगुण दुगुण में हस्तकों का अभ्यास किया उसको हम चौगुण में ले चलते हैं। आइए अब पूरा स्ट्रक्चर ऐसा करो, इसको बस तो हाथ पैर तो पता है, खाली गति लेनी, गति में इनको चौगुण में बस इनको बार बार एक चीज दी, सबको बार बार बोलो कि ताते ही देर तक आते ही देर तक, मतलब वो ऐसा ना हो कि कुछ भी पैर चल रहे हैं, कुछ भी गति में आप उल्टा सुलटा, पैरों का मापदंड जैसे कहना कि वो वी शेप से बाहर। आप लोग सभी लोग सुन ही रहे हैं गुरु जी जो कह रहे हैं, और कल मेरे से एक प्रश्न भी हुआ था कि पैर गलत हो जाते हैं मूवमेंट जैसे ही फास्ट करते हैं तो गलत हो जाते हैं, आज हम हाँ तो नियम है आज एक स्पीड और फास्टर जा रहे हैं हम, तो और गलत होने की संभावना है, उसे और संभालना है। हाँ उसे और संभालना है, क्योंकि कल जब ये बात हुई थी कि क्यों गलत जा रहे हैं तो मैंने कहा था कि बॉडी एंड दिमाग, माइंड एंड बॉडी का यूनिफिकेशन, मतलब उसका एक साथ आना, एक साथ होना बहुत जरूरी है। अगर दिमाग अलर्ट है और बॉडी नहीं काम कर रही है तो भी गड़बड़ है, और बॉडी काम कर रही है दिमाग नहीं, दिमाग से उसका कोई कनेक्शन नहीं है तो भी गड़बड़ है। तो एक कनेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड माइंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ डांसर टू क्रिएट। दिस इज जस्ट अ वेरी बिगिनिंग स्टेप्स, लाइक स्टेप लाइक डूइंग द मूवमेंट्स विद द particular lay and tal. It's not about only haath aur pairon ka coordination, it's all about the coordination of them with the musicians also, because they are keeping a meter on harmonium and tabla. That is also very important to take care of. So there are lots of things what you have to scatter your mind, but scatter with concentration, not scattered like bikhara hua aisa nahi, scattering the mind but with the concentration. So you have to keep a track of tabla, harmonium, body, feet, all. So इसलिए धीरे धीरे मैंने कहा था रियाज करें, थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। गुरु जी वही बस कह रहे हैं कि आप अपना थोड़ा केंद्रित करें दिमाग को, और उसके साथ शरीर और दिमाग दोनों का एक कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो विद We'll try के राइट लेग जहाँ है तो वहाँ राइट लेग रहे, लेफ्ट लेग जहाँ है तो लेफ्ट रहे, तो उसका थोड़ा ध्यान रखकर हम लोग करेंगे, ठीक है? Shall we go? Yes, I think. जी जी आप एक सेकंड, गुरु जी शायद कुछ क्योंकि मुझे एक चीज और बता रहा था, मैंने कहा था ना वेशभूषा कॉस्ट्यूम एक अलग है जब मंच पे आते हैं, लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं और जब किसी कला और किसी शास्त्रीय शैली के बारे में जानकारी रखते हैं, उसे सीखते हैं, तो जैसे देवेंद्र आपके सामने या मैं भी हूँ, हम कुर्ता पजामा अमूमन एक पुरुष की वेशभूषा या कह सकते हैं कि सीखते वक्त ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए ताकि वो मन और वो विचार भी उनके साथ मिले। तो आज अभी सुमन भी मेरे पास आ गई है, तो जैसे मैं गर्ल्स हैं, सुमन ये सुमन है, तो सुमन जैसा कि इन्होंने देख रहे हैं आप दुपट्टा कैसे लगाया है आप, और इसको इन्होंने पहना अपने भारतीय शैली का ही वो स्टाइल है, ऐसा नहीं कि कोई ये डांस की कॉस्ट्यूम नहीं है, लेकिन ये शैली की कॉस्ट्यूम है। तो जब आप नृत्य करते हैं, नृत्य सीखते हैं, नृत्य का अभ्यास करते हैं, तो कोशिश करें
कि उसके साथ वो अपने आप महसूस हो, क्योंकि आप जो कपड़ा पहनते हैं ना और जो खाते हैं वो भी आपको बहुत कुछ बिना कहे कुछ देते हैं। जैसे हम अगर कहते हैं कि ताकत के लिए दूध पीना चाहिए, सूप पीना चाहिए, कई लोग उससे ऐसा दूध पीते हैं तो उनको वैसा दूध पीना पसंद है तो वैसा बना के दिया जाता है, ऐसा सूप पीते हैं तो ऐसा सूप बना के दिया जाता है, ऐसी खीर पसंद है तो ऐसी खीर, ऐसा हलवा या ऐसी पूरी। भारतीय व्यंजन की बात कर रहे हैं, वो अब समय के साथ बहुत सारे व्यंजन मिक्स हो गए, बहुत सारी चीजें आ गई, वो अलग बात है। तो वैसे ही पहनावा होता है। तो ये जो सुमन ने जो पहन रखा है, ये हम कथक नृत्य से संबंधित, उससे रिलेटेड वेशभूषा है या वैसा अंग है। मंच पे जाएंगे तो और दूसरा होगा, पैटर्न कुछ इस तरीके के होंगे, लेकिन वो नेचुरली मंच की अपनी, तो क्योंकि वो ये नाट्य शास्त्र में दिए गई चीजें हैं जिनका पालन किया जाता है, और शास्त्र और शास्त्री, तो नाट्य शास्त्र है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, और वही हम आप लोगों को जनरेशन टू जनरेशन हमें भी हमारे पूर्वजों से मिलती आई और आप लोगों तक भी हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब ये जो आज हम चारों अंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो देखिए कि ऐसे वेशभूषा के साथ पहन के करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, म्यूजिक कोऑर्डिनेशन भी बनता है। तो उससे पहले सबसे चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम दिमागी तौर पे अपने ज्ञान में और अपने ध्यान में कैसे रहें, ताकि उस वक्त ये जो ये टाइम है ये सिर्फ अपना टाइम है, हम इसमें किसी चिंतन सारी चिंताओं से मुक्त हैं, और हम कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें से कितना परसेंट हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे साथ कैरी करेगा, ये आप याद रखेंगे। आइए धीरेन्द्र आ जाइए, साथ कर लो इसको, बोल बोल के कर लेना, डबल So, अभी आज हम चौगुन तक करेंगे। सो मैं और सुमन दोनों हम लोग कर रहे हैं मूवमेंट्स। चलिए आइए चौगुन तक ये चारों मूवमेंट्स करेंगे जो आपको सिखाए थे, ठीक है? चलिए Hey, 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 hey,
सही बोलना यहां से हम अगली स्पीड में जा रहे हैं चौबन में वन टू थ्री आगे बढ़ाए और इसका तत्काल और मूवमेंट इनका भी चौगुन तक किया, ये भी आठ गुन तक क्षमता है। और बस ये कि जो बेसिक जो ये लहरा और तबला बज रहा है वो जो हमने स्पीड हमने ही कायम की है उसका अपन को ध्यान रखना होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ जो कल एक तेंद्र आपने जो तोड़ा बताया था उस तोड़े के कुछ 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 तीन चार और वेरिएशंस करेंगे, ठीक है। वो वेरिएशंस स्पीड के अनुसार आज कोशिश करेंगे कि हम उसको ज्यादा
तेज तो नहीं लेकिन दोगुन तक लेके जाए आज, वो जो हम आज तोड़े करने वाले हैं। ठीक है, तुम तुम वाला ऐसे करके हम ये रेपर्टुअर को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, आओ जय हिंद। कल वाला पहला प्रोग्राम इसका एक धुन हो जाएगा बराबर की लय में, सम के बाद इसको दुगुन लय में। जी पता किया मीता शायद जी कल करना किया था। ठीक है, तो हम आज पहले सिंगल लय में करेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स वी विल गो टू द सम आफ्टर सम बट नॉट सेम डबल। एक और तरीका अगर क्या छोड़े और इस चार में ऐसा करेंगे कि पहले वाला थुन थुन आया, अब खाली आएगा और इसमें क्योंकि समय कम है तो हम जितनी कोशिश करेंगे उतना उस वैरायटी को भी ले लेंगे। एक मूवमेंट बताया था ऐसे हाथ घुमाने वाला, जैसे हमने कहा था इसको जैसे फ्लावर दिखाते हैं वो वाला मूवमेंट। तो अब तिकदा दिख दिख दे में ऐसे घूमने के बजाय ऐसे वाला इसमें घूमना है आपको। ठीक है, बोल उतने ही लगेंगे, सर्कल में एक दो तीन चार पांच ही लगेंगे। तो आपको क्या करना है कि तर, 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 तर। एक चीज और ध्यान रखिए कि हमें भी सिंक्रोनाइज खुद को भी करना होता है, वही हाथ है और वही पैर है तो नेचुरली नेक और आई भी उधर ही जाएंगे। तो तर, 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 ये यहां खत्म हो गया और सेम कंपोजिशन रहेगी, सेम रहेगा। अब थुम की जगह तत 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 चार मूवमेंट ये हो गए और ये घूम के, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो तिकता दिख दिख थे सर के ऊपर रहना चाहिए या ऐसा ना रहे, ऐसा रहना चाहिए। यहां इसका घूमते वक्त ये हाथ घूमना चाहिए, आप भी घूमेंगे और हाथ भी घूमेगा और उस पांच में कंप्लीट होके वापस यथा स्थान पे आ जाएगा। आइए धीरेन्द्र एक बार बता दीजिए। चार मूवमेंट है, तत 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 तत,
राइट हैंड राइट लेग, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, ठीक है, लेफ्ट फीट, तो चार हो गया ये, एक दो तीन चार, ठीक है। और ये जो मूवमेंट आपको बताया था, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे फूल बनाने के लिए, ठीक है। वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला सर के ऊपर होगा यहाँ, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये क्या होगा, ग्रेजुअली जैसे जैसे आप घूम रहे हैं वैसे 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 आपका हाथ घूम रहा है और घूमते हुए यहाँ वापस, वही पांच स्टेप, यानी डिग 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 डिग, ठीक है, इसमें आपको वापस आ जाना है। एक बार मेरे साथ कीजिएगा, पहले एक बार बिना म्यूजिक के करते हैं, फिर म्यूजिक के साथ में करते हैं, एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। वन टू थ्री स्टार्ट, सम फिर आ जाएगा, सम यहां से नीचे तेग धा देग देग और सम वापस वही सम। किसी को पूछना है, एनी क्वेश्चन है या, क्योंकि हम देखें इसके बाद, तुम चेक करोगे धीरेन्द्र भैया, आप चेक करेंगे कि ये, क्योंकि ये डिफरेंट चक्कर शुरू हो गया है, तो सबके मूवमेंट हाथ ठीक से आ रहे हैं, समझ आ रहा है। प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टुकड़ा? नहीं है ना, सब क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, सब अच्छे से समझ गए, दो दिन में काफी समझ में आ गया, दो दिन में स्पीड बढ़ गई है। चलिए सर इसके म्यूजिक के साथ, ठीक है, चलिए चलिए बता रहा हूं, ठीक है, अगले टुकड़े के लिए प्रिपरेशन है ये, ठीक है, आप अगले टुकड़े में ये इसका इस्तेमाल होगा, तो आप समझ लीजिए, पहले जंप करना है दोनों पैरों पे टो पर,
और बहुत ऊंचा नहीं जाना और बहुत उछलना नहीं है और बहुत ऐसे भी नहीं जाना है, ठीक है। एक हल्का सा जमीन को छोड़कर बहुत आ जाना है, जैसे स्ट्रेट जाना ऊपर से। हाँ, स्ट्रेट जाना है और कैट जंप जैसे होती है ना, ऐसे नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, कैट जंप त्राम हल्का सा कैट, ठीक है। अब ग्रेजुअली यू कम बैक, जैसे कैट कैट जंप, ठीक है, हल्की सी घूंघरू की साउंड आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। त्राम एक बार यहां से देख लीजिए, टोन से त्राम बैक करके त्राम देखिए, ये देखिए बैक से त्राम टो पे टो से लैंड करना है, ठीक है, टो पर लैंड करना है आपको, हवा में जरा सा उछाल लिया और टो से होते हुए सीधा पैर कर आना है। ये इंपॉर्टेंट है, बता दूं कि इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि नृत्य में चलना, बैठना, उठना, टर्न करना, बैंड करना, जंप करना, ये सारी चीजें जो है हमारे नृत्य में समाहित की गई हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उसे एक विद्या रूप दिया गया है जो शास्त्र हित है और शास्त्र में रचित है। तो जब आप जंप करते हैं तो एक अपने आप में भी हम खड़े खड़े ऐसे हाइट को ऐसे कभी ऐसे भी कर लेते हैं, तो जब यूं करते हैं तो उसके बाद पहला फोर्स जंप की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेविटी सिस्टम है। तो जब जंप करके आएंगे तो उसे बोलेंगे त्राम त्राम त्राम। इसके बाद एक और शब्द है थे, वो भी लगाएंगे त्राम और थे राइट पैर से मारेंगे, ठीक है, त्राम थे त्राम थे त्राम थे त्राम थे, इस तरह से, ठीक है, राइट पैर से स्टैंप करना है, थे याद रखिए राइट पैर, जो मेरा राइट पैर है वो इस साइड है, ठीक है, सो त्राम थे, ठीक है। अब इस पे आपने जो मूवमेंट अभी ये सीखा है, अभी तक ये आराम से कर रहे थे दिग धा दिग दिग थे, बट अब आपको ऊपर जाना है और बहुत जल्दी करना है, त्राम फ्लिक एकदम से फ्लिक त्राम, बहुत स्पीड में करना है त्राम, ठीक है, ऊपर ले जाके त्राम और थे ही पर इसी को थे नीचे ले आना है, ठीक है, ये जाना है और आना है, फ्लिक मूवमेंट है, क्विकली विद अ सर्टेन जर्क, ठीक है, त्राम थे त्राम थे, ये रहेगा, ठीक है। एक बार करेंगे मेरे साथ में सभी लोग, वन टू थ्री स्टार्ट, त्राम थे त्राम थे त्राम थे त्राम थे। अब ये जो त्राम थे, ये जैसे गुरुजी कह रहे थे जाते हैं हाथ तो उसको देखना है उस डायरेक्शन में देखना है, देखने का मतलब होता है अपने मूवमेंट को रजिस्टर करना, यू हैव टू लुक एट द त्राम आल्सो, नॉट लाइक दिस, बट इतना जाकर उसे देखना है और आना है, ठीक है, देखना है नजर उठाकर हल्का सा चिन लिटिल अप, That's it. Do not let it go this way. इतना मत जाने दीजिएगा त्राम, ठीक है, यहां तक गया हल्का सा, जहां तक नजर जा रही है वहां तक हाथ गया और आ गया, ठीक है। अभी आपने इससे पहले टुकड़ा सीखा था तक 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 तक, अब इसमें तक तक सिर्फ एक बार लेंगे तक तक, सेकेंड टाइम लेंगे त्राम थे और बाकी का टुकड़ा सेम रहेगा। इसमें तिगधा दिख दिख थे हम सामने से लेंगे जो पहले वाले टुकड़े में लिया था, ठीक है, तिगधा तिगधा दिग दिग थे, अब यहां तिगधा दिख दिख थे ये नहीं लेंगे, ठीक है, एक बार देख लीजिए, वन टू थ्री स्टार्ट, त त त्राम थे तिगधा दिग दिग थे, अगेन त त त्राम थे तिगधा ठीक है, तो टेक्निकली
कोई प्रश्न है? टेक्निकल समझ गए हैं पर पैटर्न तो सेम ही है। पैटर्न सेम है, बस एक मूवमेंट एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। Anybody has any question? Tramthe clear hai? Please do ask if you have any question. किसी को कोई question पूछना है? I think समझ में आ रहा है ये लोग। हाँ, they are catching well. Very good, very good, very good. आइए करें हम लोग। चलिए कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं और ये एक के बाद एक जो आज जो चीजें हमने जैसे की है उन सब के, क्योंकि वो वोकैबुलरी का जो वर्क है वो भी आपके, जैसे जब आप कर रहे हैं तो हम इधर से जो भी आप कर रहे हैं वो हम बोल रहे हैं उसको हम पढ़ंत कहते हैं। पढ़ंत पढ़ाई में भी, पढ़ति संस्कृत में भी शब्द है। तो ये जब नृत्य में भी, कथक में विशेष ये इसका रोल है, जैसे भरतनाट्यम वगैरह में नटवंगम कहते हैं, हम लोगों के कथक शैली में कहते हैं पढ़ंत करना, जो कह रहा है उसको साथ साथ उन बोलों का उच्चारण भी किया जाता है। तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे, पेन ले लें और ये उच्चारण जो है देवेंद्र सर बोलेंगे और आप नोट करेंगे अभी तक जो जो बोल आपने सीखे हैं। इसमें कुछ कुछ वैरायटी भी हुई है, कुछ कुछ सिमिलर भी है, लेकिन वो याद करने के ये भी एक तरीके हैं। इन चीजों से दिमाग को और एक अलग तरीके का कहना चाहिए रास्ता मिलता है कि और कैसे कैसे हम इसको, हमारी मेमोरी को कैसे डिफरेंट वेज में स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे याद करते हैं। जैसे आज इस युग में हम कंप्यूटर पे आ गए, कंप्यूटर युग चल रहा और इससे सारी डिपेंड हो गई है, सारी चीजें लाइफ डिपेंड हो गई है। अब कंप्यूटर बना बनाया नहीं था, बनाया गया होगा ना, किसने बनाया? मानव ने बनाया, इंसान ने बनाया, ये सिस्टम बनाया, एक ऐसी मशीन बनाया कि इधर से आपकी फोटो, उधर से उनकी फोटो आ रही, इधर से ये काम भी हो रहा है, इधर से लिख भी रहे, तो पढ़ भी रहे, मतलब एक चीज पे कितने सारे काम हो रहे हैं। वैसे एक क्लासिकल डांस जो है ना, एट ए टाइम कितनी सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर लेता करते करते, ये भी एक इसकी खूबसूरती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, देवेंद्र सर आप आए और इनको लिखवाएं। हाँ बता दे, हाँ वही तो मैं इनका, ताकि इनको थोड़ा पीछे कर लें, आप आ जाएगी भाई बात। हाँ हाँ बस बस यहाँ तक ही, आई थिंक छोड़ भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा समझना।
ठीक, मैं एक दो चीज बता देता हूँ। पहले तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे, एक गुण दो गुण चौगुण क्या है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द डेफिनेशन ऑफ एक गुण दो गुण और चौगुण, सो यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ एक गुण दो गुण चौगुण क्या है। बेसिकली there are different opinions regarding this, so we are not going to the very many different opinions. First of all, we are coming, like some people say, like eight balls fits in 16 beats, that is eight gun. So it's not we believe each beat contains one syllable. Syllable means har ek matra, ye jo matrae hain, beats hain, theek hai, har ek beat mein एक बोल होता है, तो वो एक बीट में एक बोल का होना एक गुण कहलाता है। मींस वन बीट कंटेनिंग वन सिलेबल और दिस वर्बल या बोल कह लो इसको, वन सिलेबल जो बोल हम कहते हैं धा धिन दिन धा या ता थे ही थे इधर, दीज आर बोल और सिलेबल्स है ना, सिलेबल्स आर यू कैन स्पीक। सो व्हेन वन बीट कंटेन्स वन सिलेबल दैट इज कॉल्ड वन गुण, एक गुण, ठीक है, एक गुण, एक और गुण मल्टीपल ऑफ वन। सो हाउ वुड यू शो दैट, तीन ताल के ठेके में एक गुण कैसे दिखाते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, और ठेका बोल धा धिन धिन धा धा धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धा। सो ईच मात्रा ईच बीट इज कंटेनिंग वन बोल, ओके। व्हेन इट इंक्रीज्ड टू टू बोल्स, अगर ये दो बोलों की ओर जाती है, तो एक मात्रा में जब दो बोल फिट करते हैं हम लोग, तब वो हो जाता है दोगुन या दुगुन, दो डी यू, ओके, तो दुगुन बोलते हैं। व्हेन ईच मात्रा इज कंटेनिंग टू सिलेबल्स दैट इज कॉल्ड दुगुन। सो इस प्रकार से आप दुगुन बोल सकते हैं, दैट इज हाउ दुगुन वी मेक। सो लाइक अभी वी वर डूइंग वन एंड अगेन वन एंड अगेन वन and again one, each matra was containing one count only or one syllable. And now one two 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 one two, that's how. Now do do bol aa gaye, tab kaise hoga, suppose tatkar bol, hum log tatkar ke bol bolte hain, pehle ek gun bolta hu fir do gun bolta hu, aapko samajh mein aa jayega. Ta the the tat a थे तत ता थे तत आ थे तत। अब इसमें दो दो बोल फिट कराओ, ठीक है, ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे थे, और यू कैन से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ का, हम इसे शब्द खत्म करते हैं। सो आप समझे किस तरह से आई स्टार्टेड फिटिंग टू बोथ बीट इज सेम, दो तीन चार बार दो बोल फिट, एक दो तीन चार, बीट इज सेम, तीन चार, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, या फिर मैं अभी सिर्फ क्लैप पे दिखाता हूँ बीट, जैसे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दो दो बोल, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आप समझ गए बीट, ये तो वही की वही है, ये मीटर सेम है, मेरे टंग का मीटर इज चेंजिंग, बोलों का मीटर इज चेंजिंग, वी आर फिटिंग मोर सिलेबल्स मोर काउंट्स इनटू इट।
तो ऐसे ही अब आते हैं चौगुन पे, क्योंकि we've been using this term for last 3 days and you were not getting कि आप दोगुन बोल दिया, double speed बोल दिया, so this term we will keep using, okay? So you should know these. अब now चौगुन कोई मुझे बताएंगे चौगुन की definition? है very simple if you put your mind. दोगुन की मैंने बताई. Anyone raise your hand? बोलो. One beat containing 4 syllables. Perfect. Simple. Can you speak that? It's quite tough. No, it's not tough. Try. Dha din din dha dha din din dha. देखो मीटर जी चला, एक इसमें चार बोल भरो, एक दो नहीं तीन. चार बोल की स्पीड क्या हो जाएगी? ओके द स्पीड विल बी लाइक फोर इंक्रीज हो जाएगी ना, एक दो तीन चाहिए तो दो दो, एक दो तीन चार, बीट यही चल रही है, चार भरो धा दिन दिन धा धा, और फास्ट करो धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन 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 धा धा दिन 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 यस समायरा यू नाउ यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ अनम्यूट करो Samaira, if you want. Yes. I wanted to do the chogan tal. Yes. Linda, Linda, Nathin, Tinta, Tadin, Linda, Tadin, Linda, Tadin, Linda, Nathin, Tinta, Tadin, Linda, Tadin, Tadin, Linda, Nathin, Tinta, Tadin, Linda, Tadin, Linda, Tadin, Linda, Nathin, Tinta, Tadin, Linda. Beautifully done. That's good. So, अभी हमारा मीटर यही चल रहा था, मैं एक बार मैं भी बोल देता हूँ, इसमें इसी में एक बोलता एक दो तीन, और इसी मीटर में दो बोलते एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार बोल, एक दो तीन चार, 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 एक दो ता थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे या धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन मात्रा के साथ धा दिन धा दिन धा दिन दिन ता ता दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन da din din ta ta din din da da din din da da din din da da din din ta ta din din da din din da da din din da da din din ta ta din din da da मैं एक से लेके चार तक बोल रहा हूँ वो आप समझ लीजिए ठीक है so after that we'll go further well I'll make you write all the tukdas and todas what we have learned till now ठीक है एक से लेके चार तक da din din dha dha din din dha dha tin tin ta ta din din dha dogun dha din din dha dha din din dha dha tin tin ta tra din din dha dha din din dha dha din din dha tin tin ta ta din din da chogun da din din da da din din da da tin tin ta ta din din da din din da da din din da da tin tin ta ta din din da din din da da din din tin tin ta ta din din da da din din da da din din da da tin tin ta ta din din da da ठीक है अब इसी के बेस पर हम लोग टुकड़ा लिखते हैं पहले लिखने के बाद उसको एक बार बोलने की कोशिश करेंगे इन्हीं ताली पे ठीक है पहला टुकड़ा था तत तत धुन 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 थावा थावा ना ठीक है टी एच यू एन तत तत धुन धुन दिग धा दिग दिग थे
गैप तत् तत् थुन थुन दिग धा दिग दिग थे ई तत् तत् थुन थुन दिग धा दिग दिग थे ई तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे। हाँ एनीबडी हैज आई थिंक कोई क्वेश्चन है किसी का है ना? तो एक बार इसको मैं बोलता हूँ आपने लिख लिया ना इसको बोलते हैं 1 2 3 स्टार्ट तत् थुन थुन तिग धा दिग दिग थे ई तत् तत् थुन थुन तिग धा दिग दिग थे ई तत् तत् थुन थुन तिग धा दिग दिग थे ई तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग ता थे थे तत् आ थे थे तत् ता थे थे तत् आ थे थे। डबल स्पीड में बोलेंगे तत् 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 थुन थुन तिग धा दिग दिग थे ई तत् तत् थुन थुन तिग धा दिग दिग थे ई तत् तत् थुन थुन तिग धा दिग दिग थे ई तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग ता थे थे तत् इस तरह से। ठीक है आपने लिख लिया है ना ये। आगे चले नेक्स्ट वाला लिख लेते हैं। नेक्स्ट वाला था तत् 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 चार बार तत् तत् ठीक है और बाकी का सेम था तिग धा दिग दिग थे। पैटर्न इज सेम जस्ट बोल थोड़े से बदल गए शुरुआत के। ठीक है उसको आप लिख भी लीजिए और मैं बोल भी देता हूं आप लोग के लिए। ठीक है ता थे थे तत् आ थे तत् ता थे थे तत् आ थे तत्। चलिए तत् 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 दिग धा दिग दिग थे तत् 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 दिग धा दिग दिग थे ई तत् 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 तिग धा दिग दिग थे ई तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग ता थे थे तत् आ थे तत् ता थे तत् आ थे तत्। डबल स्पीड तत् 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 तिग धा दिग दिग थे तत् 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 तिग धा दिग दिग थे ई तत् 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 तिग धा दिग दिग थे ई दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे। ठीक है ये आपका दूसरा टुकड़ा हो गया। ये आपने लिख भी लिया और हाथ पे भी लगा लिया। तीसरा था तत् तत् त्राम त्र टी आर ए एम त्राम है ना ट्राम नहीं इंग्लिश वाला ट्राम नहीं त्राम हिंदी वाला। ठीक है आधा ता आर और र त्राम ऐसे वाला जो बनाते हैं ना त्राम। ठीक है तत् तत् त्राम थे तिगदा दिग दिग थे ये था टुकड़ा। तो इसको मैं एक बार बोल रहा हूँ आप लिखते भी जाइए साथ के साथ ता थे तत् आ थे तत् ता थे तत् आ थे तत् 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 त्राम थे तिग धा दिग दिग थे ई तत्
थत त्राम थे दिग धा दिग दिग थे ई तत तत त्राम थे दिग धा दिग दिग थे ई तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग ता थे थे तद आ थे थे तद ता थे थे तद आ थे थे तद डबल तद तद त्राम थे तिग धा दिग दिग थे ई तद तद त्राम थे तिग धा दिग दिग थे ई तद तद त्राम थे तिग धा दिग दिग थे ई तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे। सो ये आपने हाथ पे भी लगाया, प्रैक्टिकली भी लगाया। अभी ये जो मैं करा रहा था इसको आप क्या कहेंगे, मतलब ये जो मैं आपको करने को के लिए बोला ये इसको क्या कहेंगे, मतलब हाथों पे आपने टुकड़ों को लगाया ये क्या कहेंगे? बेसिकली ये हमने लय पे लगाया, ये हाथ पे जो मीटर चल रहा था ये एक सर्टेन लय चल रही थी। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क व्हाट इज लय, टेल मी व्हाट इज लय। हाँ दीपिका कुमारी, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन वांट्स टू आस्क रिगार्डिंग व्हाट वी हैव डन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन, देन वी आर कमिंग टू द लय। लय और ताल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ना, हम ताल कर रहे हैं लय कर रहे हैं, और अगर इफ वी डोंट नो अबाउट दिस व्हाट वी आर डूइंग नो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट। सो लय क्या है? एनीबडी वांट टू, समय की एक सी चाल को लय कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, समय की एक सी चाल से डिफाइन कैसे करेंगे? The constant speed of time. English में भी बता देता हूँ, the people who don't know, don't understand. The constant speed of time is lay. But how would you show where the time exists? In this, let me tell you. Lay, you can say the tempo. Tempo or speed or pace, these are the simple words to explain the lay. Because lay, agar main lay lay karunga to bacche hindi nahi samajhte hain, aajkal ke hindi wale bacche bhi hindi nahi samajhte hain, so lay samjhana mushkil hota hai. You can say the tempo, like for example koi aapka koi gana le lijiye, koi aap gana le lijiye, agar suppose koi gana leta hu, सपोज कोई फिल्म का भी आप ले सकते हैं, आजकल बहुत से आता है, फॉर एग्जाम्पल मोहे रंग दो लाल, ठीक है, अब इसका टेम्पो है मोहे रंग दो लाल, अब इसको गाऊंगा तो क्या होगा, मोहे रंग दो लाल मोहे रंग डरा, तो क्या बढ़ गया, इसका टेम्पो बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई, क्या बढ़ गया, टेम्पो, कहां से बड़ा, बीट से, है क्या इसका टेम्पो, सो इट वॉज द लय। अब समय की निश्चित गति, द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ टाइम, कहां, तो टाइम कहां वेरी कर रहा है, बीट्स के बीच में जो टाइम होता है, धा धिन धिन धा, तो धा से धिन तक जाने में एक गैप आता है, धा धिन, ये गैप इज दिस, लाइक फोर बीट है, एक एक दो तीन चार, तो आ जो बीच में आ रहा है ना, यानी जो साइलेंस आ रहा है वो एक सा होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे एक दो तीन चार पांच है,
हर बीट के बीच में टाइम अगर गड़बड़ हो जाएगा तो लय बिगड़ जाएगी ना. फॉर एग्जाम्पल एक बार इसे मोहे रंग दो लाल रंग गड़बड़ हो गई ना लय स्पीड गड़बड़ हो गई ना. कहीं स्पीड टाइम का स्पेस बढ़ गया बीट का कहीं कम हो गया. दैट इज व्हाट लय इज. सो लय शुड बी द कांस्टेंट स्पीड ऑफ टाइम बिटवीन द बीट्स. बेसिकली म्यूजिक जो है बीट क्या है ध्वनि साउंड और बीच में क्या है साइलेंस. सो हाउ इंटरेस्टिंग दैट म्यूजिक कम्स थ्रू साइलेंस. एक्चुअली म्यूजिक एग्जिस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द साउंड इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ साइलेंस. सो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज टू नो. तो आप लोगों को लय की एक सामान्य सी एक डेफिनेशन अ लिटिल डेफिनेशन ऑफ द टर्म लय. द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ लय means tempo, pace or what speed means. आप लिखते जाइए lay is lay means tempo, speed or pace. ठीक है. So the constant speed, constant speed of time, समय की समान गति. समान गति समान इक्वल ठीक है. याद रखिएगा लय की समान गति या कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ टाइम. लय की समान वो समय की समान गति को लय कहते हैं या कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ टाइम कॉल्स लय. तो ये सारा अभी जो आपको लगवाया है वो लय पे लगवाया और ये लय नहीं होना है मतलब सारा गड़बड़ होना है म्यूजिक में. एवरीथिंग विल बी will have gone. लय नहीं है. तो जैसे मैंने अभी गाने में बताया था लय जरा से बिगड़ी तो गाना बिगड़ गया सुर से बेसुरा हो गया बेताला हो गया बेसिकली. ठीक है. ठीक है. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वक्रतुंड को मैं गा दूंगा साथ साथ तुम थोड़ा मूवमेंट करोगे. अब एक कंपोजिशन और हम आगे करने जा रहे हैं. ठीक है तो क्या होता है कि जैसे सेंटेंस बनते चले जाते हैं जो अल्फाबेट्स होते हैं उसी तरीके से ये थोड़ा 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 फिर वो वेरिएशंस उसकी बढ़त लेनी शुरू कर देती बड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं. अब हम जो एक करने वाले हैं थोड़ा उसमें अभी तक आप तिग था दिग दिग सम पे आ जाते थे तीन चक्कर लेके. अब हम तीन को बढ़ा देंगे और इस तीन के साथ दूसरा तीन जुड़ जाएगा दूसरे तीन के साथ तीसरे तीन जुड़ जाएगा. दैट मीन्स ये टोटल काउंटिंग 9 की हो जाएगी तो एक 9 हो जाएगा. तो 9 सर्कल लेने हैं. अब वो कंपोजिशन बता रहे हैं इससे पहले हम इसको कैसे घूमना है वो मैं आपको पहले बता देता हूं क्योंकि थे हम थर्ड वाली थे ये ध्यान से सुनिए तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे. सेकेंड राउंड उसी से जुड़ जाएगा. थेई पे रुकेंगे नहीं हम कंटिन्यू करेंगे वहां से आगे. फर्स्ट थ्री तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे. देन इसका सम आएगा. ठीक है. अब इससे पहले अपन ये करके देखते हैं कि रिपीटेशन या रिपीट कौन सा मूवमेंट हो रहा है और डिफरेंट कौन सा मूवमेंट हो रहा है जब व्हेन यू आर टेकिंग राउंड जब आप चक्कर ले रहे
तो कौन सा मूवमेंट रिपीट हो रहा है, कौन सा मूवमेंट डिफरेंट हो रहा है, ये हम करेंगे। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं और थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं ताकि पैर तो वही है, चक्कर भी वही है जो आपने ऑलरेडी दो करे हैं, तो बस ये कि कब चेंज ओवर हो रहा है। तो फर्स्ट राउंड जो तीन है वो होंगे एक दो तीन चार पांच, सेकंड दो तीन चार पांच, थर्ड एक दो चेंज चार, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच चेंज, दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। अब इसका सम भी हमने दोनों हाथ खोल के और ब्रॉड कर दिया, अभी तक हम ऐसा कर रहे थे, अब हमने इसका सम ऐसा किया, ठीक है। आई होप ये एक बार और मैं करता हूं और आप लोग भी ज्वाइन करिए। वन टू थ्री स्टार्ट। टिक टा टिक टिक हे, टिक टा टिक टिक हे, टिक टा टिक टिक, टिक टा टिक टिक हे, टिक टा टिक टिक हे, टिक टा टिक टिक, टिक टा टिक टिक हे, टिक टा टिक टिक हे, टिक टा टिक टिक सम। अब ये उसका एंड पार्ट था, बिगनिंग पार्ट जो आएगा वो तत 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 तत, यू डिड इट ऑलरेडी, चार बार होगा। एंड त्राम थे जो एक बार किया था उसको अपन दो बार रिपीट करेंगे, ठीक है। और दो बार रिपीट करने में हम क्या करेंगे कि तत 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 तत, चार ये किया आप लोगों ने, ठीक है, तर 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 त्राम थे त्राम थे, इसको भी दो बार किया, चार बार तर 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 तर, दो बार त्राम थे त्राम थे। उसके बाद ये सर्कल उसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो जो उसमें ये पूरा शुरू से लेके आखिर तक, यानी सम से शुरू होगा और सम तक आएगा और कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार मैं इसे बोलता हूं, सुनिए और आप लोग भी इसकी काउंटिंग को नोट करिएगा। सम करते हैं कि एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तत 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 राम थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग थे। ये मैंने डबल में बोला था, लेकिन सिंगल तर 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 त्राम थे त्राम थे तिग था दिग दिग थे, तो तिग था दिग दिग थे तिग था दिग दिग तिग था दिग दिग थे तिग था दिग दिग थे तिग था दिग दिग तिग था दिग दिग थे तिग था दिग दिग थे तिग था दिग दिग थे। ये उसकी समान लय, जिसे हम बराबर इक्वल एक लय कह सकते हैं। और कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि बराबर लय कई तरीके से इस्तेमाल करते, कहते हैं बराबर यानी थोड़ी बड़ी हुई लय को बराबर कहते हैं, लेकिन जो हम स्टैब्लिश करते हैं वो लय से स्टार्ट होती है, तो इसको विलंबित लय कहते हैं, जैसे मैंने बताया ठा कहते हैं। और जब
इससे दोबारा इसके ही डबल की स्पीड ले ले तो उसे जैसे तत्काल वगैरह करते हैं तो दुगुन कहते हैं, लेकिन लय चेंज करते हैं तो उसे मध्य लय कहते हैं, और उससे भी डबल कर देते तो द्रुत कह देते हैं, वो मैंने बताया था। तो अब मैं चाहूंगा कि लय तबला 7 बजे और उसके साथ अपन इसको पढ़न करके करते हैं। एक चीज चाहेंगे हम के ये जो तीन पहले के तीन कंपोजिशन थी वो आप लोगों को लिखा दी, चौथी भी आप बैठिए और लिख लीजिए, देन आफ्टर वर्क हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी किया है इसको एक बार बैठें और इसको नोट कर लें। कॉम्बिनेशन तो सेम के ही बन रहे हैं आगे, ठीक है ना, उसका वो दे देता हूं मैं। तो इसका कॉम्बिनेशन है तत् 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 चार, ठीक है, देन आफ्टर वर्ड्स त्राम थे त्राम थे, दो तत् 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 त्राम थे त्राम थे,
इसके बाद स्टार्ट होगा दिग धा दिग दिग थे दिग धा दिग दिग थे दिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे दिग धा दिग दिग थे दिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे दिग धा दिग दिग थे दिग धा दिग दिग सम आ गया। अब मैं श्रुति या वंशिका आप दोनों में से किसी को चाहूंगा कि आप लोग इनमें से फटाफट इनको चार चार लोग हाथ रेज करें और जो भी लास्ट वाला बताया उसको ये करेंगे। वो इसको करके मैं इनको देखना चाहता हूं कि ये सर्कल लेने में लगातार वन आफ्टर वन जैसे कड़ी जुड़ रही है, क्या इनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकली इनको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा या ये थोड़ा सा उसे प्रॉपर समझ रहे हैं कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक एक को करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना करने के बजाय इनको चार चार लोगों को हम ले लें एक और हम इधर म्यूजिक हम इधर प्ले करेंगे, मैं पढ़न करूंगा। तो उससे क्या होगा आप चार चार लोगों को स्पॉट पे लेते जाइए और बोलिए सब तैयार है ताकि फटाफट हम काम करें, क्योंकि इन बच्चों को ये भी सीखना चाहिए कि टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, टाइम के साथ कैसे मिलना चाहिए, टाइम से कैसे स्कूल पहुंचना चाहिए, टाइम से कैसे पीरियड स्टार्ट हो जानी चाहिए कि रीडिंग स्टार्ट हो गई प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, हर चीज जो है वो टाइम से होती है। तो बहुत लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है टाइम समय। हम लोग यहाँ जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं वो ही एक बड़ा प्रिंसिपल है समय, जो हमको साथ लेके चल रहा है। हम भी 9 बजे तो मतलब 9 बजे तो 12 बजे तो 12 बजे तो हम उसको हमें ही ध्यान रखना है कि वो सही समय को समय के अनुसार चलाए। करिए आइए आप लोग प्लीज अपना हैंड रेस करिए जिसे भी दिखाना है। चार को स्पॉट में लेंगे अपन क्योंकि चार चार लोग हो जाए तो बेहतर होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। शाबाश हम लोग तीन लोग एक साथ ऐड कर सकते हैं इंक्लूडिंग गुरुजी, चार लोग हो जाएंगे। मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो मैं तो देखूंगा बोलूंगा। हाँ तो तीन लोगों को, तीन से लेके चार लोगों को एक साथ पिन कर सकते हैं। Please pin 4 people. Who is handling this? ये तो कल भी अच्छे अपने पूरे रेस्टोरेंट कॉल गुमलू। शाबाश शाबाश, very nice बच्चे। जो लोग चार लोग हैं वैसोली निधरा और लोग भी जो ऐड होना चाहते हैं इसी वीडियो में ऐड हो जाए, तीन से चार लोग एक साथ देखे जा सकते हैं। गुरुजी मैं करती हूँ। आपकी वीडियो ऑन रही है तो हम लोग आपको स्पॉटलाइट में नहीं डाल पाएंगे। अच्छा सो वन बाय वन हो गए और एक तो बहुत टाइम नहीं जाएगा। ये कब काहे कई लोग हैं ना उसे ने चार चार तो किया था ना, तो हां आ सकते हैं ना, कल किया था, कल किया था। आप लोग मुझे बताएंगे वो लोग कौन-कौन हैं जो लोग करना चाहते हैं? गुरुजी मैंने स्पॉटलाइट कर दिया है, आपको दिख नहीं रहा क्या? चार लोग नहीं दिखाई दे रहे, तीन चार लोग एक साथ आ जाएंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। मैंने मैंने चार ही करे, एक बार स्पीकर व्यू पे जाइए। मुझे हाँ एक सेकंड हाँ स्पीकर व्यू पर ही है मेरा। मैंने चार लोगों को कर दिया है। ये इधर एक सेकंड पिन तो किया है इन्होंने। ये चार लोग है तो बहुत चार लोग तो बहुत सारे। एक साथ जितने दिख रहे हैं कर पाएंगे? मैं चेक तो हम ऐसा देख लेते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ।
चार से ज्यादा भी दिख रहे थे, अपनी जगह करेंगे तो हम थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे। ये आगे चार, ये जो चार लोग शायद यही लोग हैं। गुरुजी मैं दोबारा कर देती हूं, बार हटा के। हाँ, एक बार वापस से अनपिन करके मैं कर देती हूं। हाँ जी, हाँ जी, कल ठीक से। गुरुजी आप दिख रहे हैं? वसुंधरा के अलावा कुछ नहीं, कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट ये लोग, हाँ ये लोग कौन कौन नाम बताएंगे मुझे, ऐसे नाम बता दीजिए। रागेश्री, वसुंधरा, पूनम जी और समायरा, ये चार होंगे। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, हाँ मैं उसको दूसरे व्यू पे डाल देता हूँ। हाँ दिखा तो रहा है, पिन तो दिखा रहा है रागेश्री जी को यहाँ पर, ये मेरे स्क्रीन पे चार लोग नहीं आ रहे हैं। मैं अपने स्क्रीन के हिसाब से पिन कर लेता हूँ, फिर क्या ओहो नहीं होगा ये। मुश्किल आती बहुत सारी। कल थे मतलब, सॉरी हाँ गुरुजी, हमसे पिन हो गए थे वो लोग, अब आ गए सब लोग। अब आ गए, हाँ बस तुम चेक करो। हाँ जी, हाँ क्या, एक सेकंड। चलिए मैं देखता हूँ टुकड़ा, चलिए शाबाश, चलो चले। 4 आ जाइए। अच्छा किया है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड। वसुंधरा, रागेश्री, समायरा एंड पूनम जी, वेरी वेरी गुड, इंप्रेसिव। नेक्स्ट 4, कोशिश कीजिएगा पूनम जी, छोटा सा सजेशन, अपर बॉडी ना हिले, ठीक है? हाँ जी, आइए आइए, मेकल जी, मनस्विनी जी, एनीवन एल्स, खुशी दीदी, आइए सभी लोग आ गए। पुट योर कैमरा समवेयर वेयर इट शुड रिमेन स्टेबल, यस। चलिए, हाँ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, चलिए, ता ते ते ता ते, अभी आ ते, रुको ते ता, रुको रुको ता ते ते ता, पहले तत्कार आ ते, अब शुरू करो ते ता 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 ता, प्राम ते प्राम ते, एक सेकंड, मेकल रुको, पहले मैंने बोला था 16 बीट्स रुकना है और उस पर तत्कार करना है, ता थे थे तत आ
पहले 16 बीट्स रुकना है, ठीक है, यानी दो बारी तत्कार करना है पूरा, उसके बाद टुकड़ा शुरू करना। मैं बोलूंगा स्टार्ट, ठीक है, एकदम से नहीं करना। चलिए खुशी कैमरा ऑन करें, 1 2 3 स्टार्ट। ता थे थे ता थे आ थे थे ता थे आ थे थे ता थे आ थे थे। चलो तर 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 त्राम थे त्राम थे दिग धा दिग दिग थे dig da dig dig the 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 good। थोड़ा सा बिखर रहा है, हल्का सा, थोड़ा सा और कंसंट्रेशन। मैंने कहा था ना माइंड एंड बॉडी के बीच में कंसंट्रेशन रहना चाहिए, हल्का सा गड़बड़ा रहा है। नेक्स्ट आ जाए, ठीक है, बट गुड गुड मनस्विनी गुड। रुजी अब यही है और नहीं है। ओह गुड 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 गुड। एक सेकंड, अब मैं, मुझे लगता है इतने लंबे टाइम से आप लोग सामने हो, 2 मिनट का तो पानी पी ही लीजिए, पी लीजिए, चलिए 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप लोग, ठीक है। Just 1 minute maybe। बस 1 ही मिनट का ब्रेक था लंबा नहीं था। आइए वैसे ये तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, लेकिन इट वुड बी ग्रेट अगर आप लोग कोई फोन पे कुछ लेके बैठे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। आ रही है ना आवाज आप लोग को अच्छे से? आप लोग फोन में रिकॉर्ड भी करते चलिएगा थोड़ा सा। परंपरा में
नृत्य, संगीत, वादन, गायन, ये सब हम लोगों को सिखाया जाता है। और हम भी चाहते हैं कि आप लोगों में भी जो जो क्या कहना चाहिए, कई जरूर ऐसे हैं जो संगीत भी सीखते होंगे या इंटरेस्ट हो तो रिदम, जैसे तबला हो सकता है, पखावज हो सकता है, मैं नहीं जानता ढोलक या और कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, कुछ साउथ के अगर हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं तो वो जरूर मृदंगम या अडिकिया या इनमें से भी जानते भी होंगे या सीखते भी होंगे या बजाते हुए सामने भी रहते होंगे। आप लोगों में से कौन से कुछ बच्चे ऐसे हैं आप लोग जो ये वक्रतुंड महाकाय शब्द तो जानते हैं और लिखवा भी दिया था पहले दिन, लेकिन अगर जैसे अभी हम इंस्ट्रूमेंट के साथ गा के इसे कर रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए और आप भी फॉलो करिए, कोशिश करिए अपने कंठों को, अपनी आवाज को उस धुन को इस शब्द से जोड़ के मिला के कैसे गाया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि आप अंदर से जब गाना और संगीत फील करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन आप अपने अंदर और लाते हैं, उससे आपको वो इंस्पायर करता है। ये स्वर भी बहुत बड़ी चीज है जो इंस्पायर करती है, रिदम भी बहुत बड़ी चीज है जो इंस्पायर करती है। ये नेचर का दिया हुआ एक गुण है जो हर प्राणी में है। वो डांस नहीं करता पर रिदम और स्वर तो होगा, वो गाता नहीं है, गायक नहीं बने पर गाना सुनते तो होंगे, बजाते नहीं है पर गाने के साथ बजता तो है, तो ध्यान तो आता होगा कि ये कैसे बज रहा है। जैसे अभी मैं ट्रेवल कर रहा था, उदाहरण के लिए ये चीजें इम्पोर्टेंट है। अब हुआ क्या कि वो कोई ऐसे ही जो टैक्सी हायर की थी, जो उनको ड्राइव कर रहे थे चालक महोदय, वो उन्होंने अचानक ऐसे ही लंबा सफर था तो गाना बजाना उसमें गाना लगा दिया, आजकल म्यूजिक सिस्टम पे गाड़ी में होते ही है, लगा दिया। मैं नोट कर रहा था कि वो जो गाड़ी चला रहे थे तो वो बिल्कुल रिलैक्स इसलिए थे कि वो गाने के साथ साथ गियर पे रखा हुआ कभी ये हाथ या कभी उधर स्टेरिंग पे रखा वो हाथ या कभी उधर उंगलियों से ट्राई टू कैच कि वो रिदम क्या बज रही है। और उनका जो फोकस तो ड्राइविंग पे था लेकिन कंट्रोल जो था वो रिदम से अपने आप को इतना टच कर रहे थे, क्योंकि जो ड्राइविंग है वो भी एक टाइमिंग है, उसकी भी एक रिदम है, रुकना है, ब्रेक लगाना है, बहुत अलर्ट रहना होता है। तो वो जो अलर्टनेस है वो क्या है, रिदम कहाँ है, एगुन दुगुन तिगुन चौगुन पचगुन ये स्पीड बढ़ रही है, इधर बेस स्पीड अपनी जगह कायम है, इसको भी ध्यान रखना है, रोड भी ध्यान रखनी कि रोड चल रही है, रोड पे गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड चल रही है उसका भी ध्यान रखना है, और आना जाना इधर से उधर आ रहा है, रेड लाइट आ रही है या मान लीजिए स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही कंट्रोल, स्वर, रिदम, ये अपने आप में मिलजुल के सारा बन जाता है। और इसको ही परंपरा में हम लोग बैठ के भी, जैसे आज धीरेन्द्र आप भी इधर आ जाए, हम लोग एक साथ इसको गाएंगे, आप लोग इसे नोट करेंगे और मूवमेंट को भी याद करिए और खुद भी गुनगुनाइए हमारे साथ, स्वर से स्वर मिलाइए, सब लोग करो, देखिए कैसे परंपरा में ऐसे बैठ जाते हैं और गुरु और शिष्य सब एक साथ संगीत संग मिलके संगीत करते हैं। Oh,
So hopefully हमको पता नहीं कितने बच्चे कितने सब लोगों ने साथ में क्या गाया क्या गुनगुनाया या उसके मूवमेंट को आप लोगों ने ध्यान से देखा उनको किया. तो अब हम इसी के प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम इधर गाएंगे और आप लोग दोनों उठिए आप लोग मूवमेंट करिए. सेम चीजों को हम दोहराते हैं ताकि अभ्यास हो जाए. सब तैयार हैं सब लोग. हमने जो कुछ भी अभी तक टेक्निकल एस्पेक्ट डांस का जितना भी जो कुछ भी सीखा है इंक्लूडिंग वक्रतुंड से शुरू करेंगे. फिर हम तत्काल फुटवर्क जो सीखे हैं एक गुण दो गुण और चौगुण जिसकी लय की मैंने डेफिनेशन भी बताई आपको उन्हीं टर्म्स को यूज करते हुए हम लोग एक गुण दो गुण और चौगुण में तत्काल करेंगे. फिर एक गुण दो गुण चौगुण में ही वो चारों मूवमेंट की वोकैबुलरी करेंगे. उसके पश्चात हम लोग जो भी हमने आज टुकड़े सीखे हैं अभी तक वो सारे टुकड़े करेंगे तत तत थुन थुन फिर तत 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 फिर तत तत राम थे एंड फिर उसके पश्चात जो अभी नया गुरु जी से सीखा है. वंशिका प्रोवाइड करेगी ईमेल. बेहतर होगा फोन से अच्छा हो जाता पूरा ऐसे आता है इसमें इसलिए नहीं फोन इसके आगे रखो वही वही कह रहा हूँ वही बेस्ट ये ना फोन मैं रिकॉर्ड भी जस्ट अ सेकंड गिव मी जस्ट अ स्मॉल टेक्निकल थिंग वी हैव टू फिगर आउट.
जी चलते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले मैं ठेका बोलूंगा, उसके बाद हम तत्काल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ठेके से शुरुआत करते हैं, वक्रतुंड से, सॉरी सबसे पहले वक्रतुंड करेंगे प्रेयर, उसके पश्चात श्लोक से, श्लोक के बाद आगे चलते हैं, बताता जाऊंगा मैं इनके बारे में। ठेका बोलता हूं तीन ताल का, उसके साथ में तत्काल करता हूं फिर। चलिए तेरा चौदह सो I'll take it up.
फिर से अब इसको आगे हम लोग सारे मूवमेंट्स करेंगे तत्काल के साथ जो चारों मूवमेंट सीखे हैं। ये आपके मूवमेंट का एक सेट हो गया। अब हम सारे तोड़े टुकड़ों पे जो हमने आज सीखे हैं उन सब पे आ जाते हैं ठीक है। एक के बाद एक करता जाता हूं, आप चाहेंगे मैं पढ़ूंगी एक एक बार पढ़कर करता जाता हूं, ठीक है। चलिए एक
Take it out.
अब इनके लिए ये 5-10 मिनट में इतना जो कुछ पास करने जितना अभी तक हुआ उसको लेके अब आप लोग कुछ बातचीत करेंगे हमसे, कुछ पूछेंगे, कुछ समझेंगे, है ना। तो पूछिए। और कल की मुद्राओं का क्या हुआ धीरेन्द्र, ये भी हम चाहेंगे। कल का आपने मुद्रा याद की है, कल की सभी लोगों ने? डिड यू ट्राई रिमेम्बरिंग दैट? कल बात हुई थी। हु एल्स रिमेम्बर्ड? दैट्स द ट्रिकी क्वेश्चन। इज इट अ ट्रिकी क्वेश्चन यू ऑल? Did you try remembering those mudras? Anybody remember? अच्छा, मानसविनी को याद है, मैं कल भी बोल रहे हैं ऐसे करके बोल रहे हैं। Yes, she remember. And who else? Hardika. Oh, good. There are few people who remember. You can. Okay. श्लोक के समेत याद है? श्लोक समेत याद है आप लोग को? नहीं, मुश्किल होगा। अच्छा, ऐसे ही किसी को भी याद है एक बार फटाफट से सुना सकते हैं जल्दी से, क्विकली? हु कैन? हर्षिता पुरोहित रेज्ड हैंड। ओके, हर्षिता पुरोहित को ही फीचर कर दिया जाए एक बार। अच्छी बात, वेरी गुड। हाँ, तो हर्षिता, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तरीमुख, मायूर, अर्धचंद्र, अराल, शुक्तुर, मुष्टि, शिखर, कपित, कटकामुख, सूचि, चंद्रकला, पद्मकोश, सर्पशीर्ष, मृगशीर, सिंहमुख, कांगुल, अल्पद्म, चतुर, ब्राह्मण, हंसास्य, हंसपक्ष, संदंश, मुकुल, ताम्रचूर, त्रिशूल, व्याघ्र, अर्धसूचि, कटक, पल्ली। अरे वाह, तुमने तो 3-4 एक्स्ट्रा बता दी। श्लोक के ऊपर निकल गए। अच्छी बात है, वेरी गुड। ये सब लोगों को भी ऐसे कुछ कुछ अपना इंटरेस्ट रखते हुए, अरे बहुत अच्छा है ना, करना चाहिए। और अब बाकी सबको लोग इन सब चीजों में, ये जो आज जितना किया वो सब में से किसको कितना याद हुआ, किसने कितनी प्रैक्टिस की, क्योंकि हम आगे जो बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ ऐसा तो नहीं कि हम पीछे छूटते जा रहे हैं या हम भूलते जा रहे हैं। हाउ मच यू आर कंफर्टेबल और कितना अपने आप को सहजता के साथ आप समझ रहे हैं कि हाँ, अच्छे से हम लोग ये समझ रहे हैं और इसको हम करने में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सक्षमता की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मुझे मालूम है कि वो पूरे दिन में कुछ ना कुछ आपके साथ प्रोग्रामिंग चल रही है, उसके बाद भी कितना समय अगर आपके पास होता तो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दिन सबको एक साथ कर दो, उनमें से रेंज करेंगे किसकी जितना आज तक का है, कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ प्रैक्टिस की या कुछ समझा वो हाथ रेंज करेंगे,
फिर वो हाथ रेंज करेंगे जिनको थोड़ी दिक्कत का सामना हो रहा है करते वक्त, कोई भी समस्या आ रही है, वो लोग भी आ जाएंगे इसको पूरा करते है ना। हाँ तो अपनी हाँ समस्याओं के साथ भी आएंगे तो पहले अच्छा तो वो है जिन्होंने जो ये कर रहे हैं प्रैक्टिस में है और अच्छे से उन लोगों को जस्ट बिफोर anyone goes up, goes further, Vanshika, आप अपना ईमेल मुझे दे दीजिएगा because what you have to do, I have created a file till of the class, what we have done till today, ठीक है? तो वो it's a longer file, so maybe you can send them through email or maybe you can break it and send through the WhatsApp, like चार चार मिनट तीन तीन मिनट का ब्रेक करके इस तरह से यू हैव टू सेंड वॉर मुझे क्योंकि मैं टेक्निकली ऑलमोस्ट लेम हूँ सो आई हैव मे नॉट बी एबल टू ब्रेक इट इनटू द पीसेस बेटर यू डू एंड सेंड इट टू देम बाय टुडे इटसेल्फ सो दे कैन प्रैक्टिस बाय देमसेल्फ आफ्टर सीइंग दैट एंड आफ्टर द फाइल रीचेस टू यू देयर इज नो एक्सक्यूज दैट यू हैवंट लर्न एनीथिंग यू हैव द फाइल यू कांट मेक एक्सक्यूज यू हैव टू लर्न यू हैव टू वर्क ऑन इट ठीक है चलिए कीमती समय है और हम लोग यहाँ पूरा बैठे रहते हैं पूरे जुड़े रहते हैं तो उसको ऐसा ना लगे कि ऐसे ही था ऐसे ही नहीं था ये बहुत था ऐसा लगना चाहिए बहुत था बहुत कुछ था बहुत था और बहुत कुछ था 3 hours की रिस्पेक्ट yours and yours आप ऐसा नहीं है कि हमारे 3 घंटे की रिस्पेक्ट करेंगे आप अपने 3 घंटे की भी रिस्पेक्ट करेंगे यू हैव टू रिस्पेक्ट योर ओन टाइम टू दैट यू स्पेंड 3 hours एंड इफ यू कुड नॉट लर्न एनीथिंग मींस दोस 3 hours गॉट वेस्टेड सो बेटर अर्न दोस 3 hours अर्न डू नॉट लेट इट वेस्टेड ठीक है एंड गो थ्रू द वीडियोस कोई प्रश्न किसी का है तो आ जाइए गुरुजी नहीं पहले तो उनको हाथ रेज करने थे जिनको ये सारा अभी तक का समझ में आ गया और 2 दिन से लेके अभी तक का अभ्यास कर रहे हैं तो वो कितने कंफर्टेबल हो गए हैं वो और फिर उसके बाद वो हाथ रेज करेंगे जिनको कोई दिक्कत हो रही है फिर हम उसका समाधान निकालते हैं दिख रहा है कोई मुझे हमें तो नहीं देखो इसमें पता लग रहा है Anybody is raising 5 participants raised hand 6 participants 7 participants wow I'm happy increase the number more not on my saying okay honesty के साथ में हाँ गुरुजी काफी लोगों ने किए हैं 9 मतलब समझ नहीं काफी लोगों ने जितने लोगों को अच्छे से समझ आया और जितने लोग इसे कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है अब जिन लोगों को कोई नहीं समझ आ रहा कोई समस्या हो रही है अब वो लोग हाथ रेज करें और उनपे हम चाहेंगे कि स्पॉट करें और उसको हम बताते हैं टेक्निकली क्या करना चाहिए क्या दिक्कत आ रही है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है देखना इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ है तो बोलिए या बताइए रागेश श्री दास हैं जिनको शायद हाँ आइए प्लीज प्लीज पूछिए स्पॉट में कर दीजिए नहीं मैंने पहले हाथ रेज किया था मतलब मुझे समझ में आया है अच्छा अच्छा समझ में आया है इसलिए अच्छा 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 जिसे नहीं आया है वो बता वो आ जाए कुछ नहीं समझ में आया या कुछ खास इसके बारे में कोई प्रश्न है बिकॉज आपको अगर क्यूरियोसिटी है या कोई किसी चीज में कीन इंटरेस्ट है या कोई क्वेश्चन है कोई एनी डाउट इफ यू हैव तो पूछना चाहिए और मतलब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होंगे आप जी पूनम जी जब हम लोग अभी 2 गुंज कर रहे थे और थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा था अभी ठीक हो रहा था और दूसरी बात अपर बॉडी एकदम स्थिर रखना है ताकि थोड़ा हिले तो चलेगा अपर बॉडी अगर हिलेगी तो क्या होगा कि वो
जैसे किसी चीज पे ज्यादा वजन रख दो तो उसको चलने में दिक्कत हो जाती है, वो वाला हाल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे अपर बॉडी जो है ना वही आपके बॉडी पैरों को स्पीड में करने में हेल्प करेगा। तो उसको आपको थोड़ा सा स्ट्रेट रखना ही रहेगा, स्ट्रेट रखें अगड़ेगी तो क्या होगा कि नीचे पैरों के ऊपर कम वेट आएगा, पैर जितने आपको वेट कम होता है उतने आसान चलते हैं, जैसे दौड़ना है एथलीट को दौड़ना है तो वो अगर उस पर वजन रख दिया जाएगा तो बेचारा दौड़ नहीं सकता। तो बॉडी का वेट आपको हमेशा ऐसे ऊपर उठा के रखना है, जैसे अगर तराजू पे कोई सामान तोला जाता है, इफ यू आप तोलेंगे तो आप क्या है इधर इधर तो एक वेट रखा जाता इधर वो रखा जाता, लेकिन काम ऊपर का हो रहा है उससे वेट को इक्वल करने में, तो अपर बॉडी वो करती जो वेट इक्वल करती दोनों पैरों का। सेंटर ग्रेविटी सिस्टम है ये सिस्टम आपका यहाँ से जुड़ा है। इंटरेस्टिंगली अभी मैं एक चीज को इससे रिलेटेड कर रहा हूँ, मैं अभी योगा मेरी योगा जो क्लास होती है योगा टीचर लाइट्स ऑन, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, आई थिंक यू नेचुरल हो रहे, लेट मी जस्ट पुट ऑन द लाइट जस्ट अ मोमेंट, है ना। तो बड़ी अच्छी बात कही है गुरुजी ने और जो मैं बहुत अच्छे से इसे रिलेट कर पा रहा हूँ। अरे वाह, तो जब भी वो मुझसे योगा में करने को कहते हैं तो वो मुझसे कहते हैं जब मैं इधर त्रिकोणासन में जब बैंड करता हूँ तो कहते हैं डू नॉट लेट दिस लेग गो अवे, इसको बाहर मत जाने दो, ये इतना जो यहाँ से है स्पाइन से जो नीचे तक का हिस्सा है वो सेंटर और ग्रेविटी में होना चाहिए, जब आप जाओ तो लेफ्ट पैर पे एक्स्ट्रा वेट नहीं, दोनों पैरों पे ऊपर वाली बॉडी को ले जाना है लेकिन पैर इक्वली दोनों बॉडी पे प्लेस रहे। सो बेसिकली अपर बॉडी एंड ये कोर जिसे कोर पार्ट कहते हैं उसको होल्ड करके अगर आप तत्काल करेंगे तो आप ऐसे में नहीं रहेंगे, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको यहाँ से पकड़ना है स्पाइन से लेके नीचे तक, यानी आपके बराबर वेट दोनों पैरों पे होना चाहिए। अगर ये ऐसे है, अगर सपोज ये उठा भी है तो अगर मैं ऐसे करके उठाऊंगा तो इस साइड चला जाएगा वेट पूरा, यानी टोक के आउटर हिस्से पे चला जाएगा तो आप सेंटर नहीं पकड़ पाएंगे, इनर हिस्से पे आएगा तो सेंटर नहीं पकड़ पाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में रहेगा हमेशा। तो गुरुजी मतलब प्रैक्टिकली गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं तो आपको ना बॉडी का वेट ऐसे ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, सेंटर पे रहेगा वो वेट। किसी भी स्पीड में जाएंगे आपकी बॉडी सेंटर में रहेगी, कोशिश कीजिएगा अपने आपको होल्ड करने की, टाइट नहीं करना है बॉडी को लेकिन होल्ड करने की कोशिश करना, मतलब ये आप अच्छा हुआ कि प्रश्न आपने पूछा है लेकिन एक आंसर है जो सबके लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोगों को अभी तो ये चौगुन तक पहुंचे हैं जिन्होंने कभी शायद कथक में फुटवर्क इतना कभी पहले कथक सीखा या जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं सीखा वो उनको अभी ग्रेजुअली स्पीड गेन करनी है, अभी आगे बढ़ेंगे वो तो उनको अभी से ये पता रहेगा कि हमारी बॉडी की ग्रेविटी सिस्टम क्या है तो वो इसी हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? इम्पोर्टेंट एनी वे अदर स्टूडेंट्स हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। देखिए कोई क्यूरियोसिटी अंदर नहीं रखिए, जो आपको पूछना है पूछ लीजिए। हाँ समायरा, यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन राइट? यस कम अप। गुरुजी मेरा प्रश्न है, मैं जब तत्काल करती हूँ तो मैं आगे हिलने लग जाती हूँ, तो आगे आने लग जाती हूँ, तो ऐसा कुछ है कि मैं कर सकती हूँ कि मैं आगे ना आऊँ? वो देखो आप एक काम करो, आपका जो बॉडी का वेट है ना उस वेट को आपको स्ट्रेट रखना है। देखिए हम जिधर भी अगर बॉडी को जिस भी रखेंगे, जैसे अगर हमने आगे रखा तो बॉडी आगे चली जाएगी, पीछे रखा तो हम पीछे की तरफ दौड़ने लगेंगे, तो हमें क्या करना है कि अपने वेट को ग्रेविटी सिस्टम के अनुसार स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट। ठीक है, एक और काम करना, पैरों को जो है वो टाइट मत करना,
क्या होता है जब स्पीड बढ़ने लग जाते हैं ना, तो पता ही क्या होता है कि हम लोग ना दिमाग से थोड़े से टाइट हो जाते हैं। वो दिमाग जब टाइट होता है तो उसका असर हमारी सारी नर्व सिस्टम पे पड़ता है, तो पैरों की जो नर्व्स है वो टाइट होनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से हम लोगों का बैलेंस फिर एक नहीं रहता। यू गॉट इट माय पॉइंट? तो अपने आपको आपको क्या रखना है, शीशे के सामने खड़े हो जाना और ये देखना कि स्पीड में जब आप कर रहे हैं तो आप क्या सीधे ही है या आप लोग आप, और पैर का भी मैंने इसलिए डे वन मैंने बोला था कि वी शेप में रखना, क्योंकि वी शेप शुरू से पैरों का बना रहे और पैरों को जो है वो आराम से मारना, जोर से मारने की आवश्यकता नहीं है। वो ये नहीं कि बहुत जोर से मारो, क्योंकि उसको जमीन से टच करें और उसका उसका साउंड धीरे धीरे बन जाएगा। जैसे कोई गाना गायक बनते हैं ना, तो वो अभ्यास करते करते साउंड बन जाता है, वो ऐसा नहीं कि एकदम ही उसके साउंड गले में फिट है, वो अभ्यास करने से बनता है। तो वैसे ही आपका ये आगे जाना कंट्रोल हो जाएगा, बस आपको नोट करना है कि आपकी बॉडी सीधी रहे, आगे की तरफ झुकने मत देना उसको, बस ठीक हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? मनस्विनी ने हाथ उठाया है, आइए मनस्विनी जी प्रश्न कर लीजिए। सर आई नॉट क्वेश्चन एक्चुअली, बट आई एम लर्निंग भरतनाट्यम, सो आई गॉट कंफ्यूज्ड ऑफ दैट हैंड्स मुद्रा सर, सो आई वांटेड टू शो देम वंस अगेन। Just a second, Manaswini. Your sound is not reaching to Guru. So she's a Bharatanatyam dancer. She got confused with the Hasta Mudra, the way we have told. So she's saying like, I want to show you the way we have learned. Okay, Manaswini. त्रिपताक, मुष्टि शिखर कपित कपित कटक मुख सूचि चंद्रकल पद्मकोश सर्पशिर मृगशिशु मृगशिश सिंह मुख कांगोल अलपद्मक चतुरु भ्रमर हंसस्य हंसपक्षक संदंश मुकुल मुकुल ताम्रचूड त्रिशूलक। सही तो है, यही तो है, यही तो था। हाँ, पर कुछ नाम डिफरेंस है सर, मुकुल को मुकुलश चैवा वैसा है। नहीं 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 बेटा, दिस वाज द श्लोका, बिकॉज़ लाइक श्लोका इफ आई वांट टू से यह मुकुल है तो यह मुकुल है, हाउ वुड यू कॉल इन संस्कृत, इता मुकुलश चैवा है ना, इत्या मुकुलः अस्ति, तो इत्या मुकुलः अस्ति, मुकुलश चैवा और मुकुल है, तो ये पूरा एक सेंटेंस है। इट्स नॉट जस्ट मुकुलस चैवा, इट्स जस्ट मुकुल, बट अस चैवा मींस और ये है, इट्स अ सेंटेंस। हाँ सर, कुछ नाम डिफरेंट थे इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं 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 डिफरेंट नहीं थे, ठीक है। त्रिपताको मतलब यह त्रिपताका है, पताकस त्रिपताको अर्धपताक कर्तरी मुखः, this is the Sanskrit sentence, it's a sentence that is containing the name of mudras, okay? Don't get lost. Haan sir, dhanyavaad. Next. Guruji, aap shayad koi nahi hai. Koi nahi hai. चलिए, आई थिंक समय कितना, अरे समय भी हो गया गुरु जी, 12 बज गया, 12 बज के हमने कहा ना हम टाइम को भी हमें वैल्यू देनी है, सो हमारी तरफ से हम लोगों ने आज आप लोगों के साथ काफी चीजों को म्यूजिक से भी अभी इसको कर दिया, वो आपके शेयर हो जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। तो आगे निर्जा जी, और क्या आप लोग देखिए जी 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 सर, समय हो गया है। और सर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अनुभव 2021 को जो नाम दिया गया है सर, गुरुजी, हमको लग रहा है आज सभी ने ये महसूस किया
मतलब मैंने जो महसूस किया, आप के घर पे आप हैं, आपके शिष्य हैं, सारा वाद्य यंत्र है, वो पूरा माहौल है, गुरुजी बिल्कुल लग रहा था कि हम गुरुकुल में हैं, ये सारे बच्चे जो हमारे लगभग 40 बच्चे जो जुड़े हैं, लग रहा है कि सब गुरुकुल में ही सीख रहे हैं, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, बाकियों का मैं नहीं कह सकती, पर मैं ये फील कर रही थी कि हम सब आपके घरों में रहते हुए ही सीख रहे हैं, तो अनुभव नाम मैंने आज सार्थक महसूस किया सर। बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। कोशिश यही की थी कि जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए कि ये जी, ऐसा जी बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा रहा। अब आगे वंशिका और श्रुति जो हमारी मॉडरेटर्स हैं, देख लो क्या करना है। वंशिका और श्रुति जी मैम, नमस्ते सर। सर मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा, मैंने भी थोड़ा सा करा एंड में आके, मैं मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को भी मन करा करने का। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद धीरेंद्र जी का, बाकी सबका, कि आपने आज का इतना सफल बनाया। और अब मैं आगे का आप सबको शेड्यूल बता देती हूँ कि क्या शेड्यूल रहेगा आपका। 1:15 to 2 तक योग निद्रा होगा, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर किरण सेठ जुड़ेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस सेशन को जरूर देखें। 2:30 तक आपकी बातचीत होगी प्रोफेसर जयाचंद्रन के साथ फोक फॉर्म्स में, श्री चिंता वेंकटेश्वरलू के साथ वीरा नाट्यम होगा। 3:30 to 5 तक श्रीमती शबाना आजमी एंड श्री जावेद अख्तर के साथ पोएट्री रीडिंग एंड इंटरक्शन। 6:00 to 7:30 तक विदुषी एस सौम्या के साथ कर्नाटिक वोकल। 7:30 to 9 तक उस्ताद बाहुद्दीन दागर के साथ रुद्र वीणा। अब हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और हमारा सहयोग करने के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सहयोगकर्ता, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, SRF फाउंडेशन, अशोक लेलैंड, तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी, डॉक्टर किरण सिंह और कुसुमकार जी का धन्यवाद। नीरजा मैम और गुरुजी, आपके परमिशन के साथ मैं YouTube की